मित्रों, योगी जी के जनप्रतिनिधि नाते एक मुद्दे को मैं जरूर कहना चाहूंगा। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। गोरख क्षेत्र के अंदर जापानी बुखार से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे मौत के शरण हो जाते। योगी जी सांसद थे तब से मुद्दा उठाया था। 2014 के चुनाव में मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मंदिर के प्रांगण में, वहां पर भी सवाल आया, योगी जी ने उसका सटीक जवाब दिया था। जब योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज 90% केस कम हो गए हैं, पूरे गोरख क्षेत्र को सुरक्षित किया है। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को सुरक्षित कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही माताओं बहनों का सम्मान बचाकर गौरव के साथ जीने का मौका दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। अंत में आज गोरख में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मंच से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे, विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। और आज मैं योगी जी और सारे हमारे विधायक के प्रत्याशी जो नामांकन कर रहे हैं, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको बड़ी सफलता दे, यूपी की जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहे और सभी के सभी लोग प्रचंड बहुमत से विजयी बनकर बाहर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और यहां से पश्चिमी यूपी तक पहुंचे ऐसी आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के नामांकन में शामिल होने से पहले एक जो ये इंडोर सभा हुई उसमें बताया कि कैसे बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का और गोरखपुर का विकास हुआ है। और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता कहा कि जब बीजेपी कार्यकर्ता आपके यहाँ आएंगे, विनम्रता से आपका आशीर्वाद और आपका वोट मांगेंगे तो उन्हें आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार ही यूपी को सुरक्षित बनाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।